नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपका जो ऑप्शन फॉर्म सेकंड है उसके बारे में है और उसके साथ सीट मैट्रिक्स भी देखना है। और मुझे एक बात डिस्कस करनी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका आपका जो कैप राउंड फर्स्ट था उसमें नंबर ही नहीं लगा है, और अभी वो जब सीट मैट्रिक्स देख रहे हैं तो उसमें सब उनको 0-0 दिख रहा है। तो अभी क्या करना है, देखो आपको तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट दिख रहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल द 0 वैकेंसी चॉइस कोड्स एज द वैकेंसी माइट बी जनरेटेड डायनामिकली। मुझे एक कमेंट भी आई थी, वो कमेंट में लिखा था कि सर किसी स्टूडेंट ने बेटरमेंट के लिए ऑप्शन डाला तो वो जो सीट है वो सीट सीट मैट्रिक्स में दिखाती है क्या। अभी वो सीट तो सीट मैट्रिक्स में नहीं दिखाती, क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट ने बेटरमेंट के लिए डाला है। अगर बेटरमेंट का चॉइस उसको नहीं मिलता है तो उसका जो जो अभी मिला वाला सीट है वो फिक्स रहता है, ठीक है। ऐसा ही ये थोड़ा सा लॉजिकल है, तो उसके लिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि EW मतलब इकोनॉमिक विकास सेक्शन, PWT मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिफेंस जी फॉर लेडीज, जी फॉर जनरल, एल फॉर लेडीज और एफ फॉर ओनली फॉर फीमेल। अभी जितने भी नीचे आपको जो सीट मैट्रिक्स दिखेंगे इसमें ये एब्रिवेशंस यूज़ किए वाले रहेंगे। तो अभी क्या करेंगे, इसमें शॉर्टकट में जाते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज का देखते हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनका देख लेते हैं कि उनका क्या कट ऑफ है या उनका सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ का जो कॉलेज है उसका दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ पे पूरा 0-0 दिख रहा है। मतलब मैंने चेक किए है कि ऑलमोस्ट जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मतलब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनका सबका यहाँ पे 0-0 है और सारे बेंचेस का 0-0 है। खाली कराड़ के यहाँ पे एक SC का लेडीज़ का एक सीट वैकेंट है, वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अमरावती का भी है, यहाँ पे जनरल 0 है, लेडीज़ 0, SC ST VJNT सबका 0। यस, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्या करना है, वो कॉलेज डालना ही नहीं है। देखो आपको जैसा लगता है वैसे ऑप्शन फॉर्म भरो, गवर्नमेंट कॉलेजेस आपका जो ऑप्शन प्रायोरिटीज है उसके हिसाब से डालो, लेकिन उसके साथ ये भी करो कि आपके जो कॉलेजेस है आपके पेरीफेरी में वो भी प्राइवेट कॉलेज भी डालो, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि किधर भी नंबर नहीं लगा तो फिर क्या हो जाएगा, नहीं तो आपको इंस्टीट्यूट लेवल से एडमिशन लेना पड़ेगा, फुल फीस पे करना पड़ेगा और फिर आपको जो भी कुछ आपकी फैसिलिटीज़ होगी वो आपको मिलेंगी नहीं। देखो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग का यवतमाल का भी है, 0 टोटल 0 सीट वैकेंट है यहाँ पे भी। अभी ये यवतमाल का ही है, अलग अलग ब्रांचेस का ये रहेगा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग औरंगाबाद है यहाँ पे, यहाँ पे भी 0 है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, आप ठीक से ऑप्शन फॉर्म भरो, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ऑलमोस्ट जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनका सारा के सारा का 0 है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है या आपको कुछ कमेंट करनी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट चंद्रपुर का भी देख सकते हो आप, यहाँ पे 0-0 है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज भी डालिए, उसके साथ आपका प्राइवेट कॉलेज भी डालिए, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।